ओपीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला पेंशनर्स के हक में बड़ा फैसला। पेंशन को लेकर जो आपकी ताज़ा बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस समय सरकारी कर्मचारी लगातार पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आवाज़ उठा रहे। इससे आपको बताएंगे कि अब पुरानी पेंशन को लेकर क्या नई अपडेट आई है, जिससे कि पेंशन धारकों को क्या फायदा होने वाला है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि आप सभी की पेंशनर्स की लगातार मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू किया जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। इसी के बीच अभी अभी सरकार की ओर से एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि योग्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं। उन्हें 31 अगस्त 2023 तक समय दिया गया है। उन्हें 31 अगस्त 2023 से पहले पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना होगा। कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना के तहत निश्चित पेंशन मिलती है। इसके तहत जो कर्मचारी पेंशन है उसके अंतिम वेतन का इनकी 50% पाने का हकदार होता है। इसके विपरीत पेंशन राशि जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम वर्तमान में, उसमें ऐसा आपको अच्छा लाभ नहीं मिलता है। इसी को लेकर पेंशन धारकों की मांग की 2004 से प्रभावी जो ओपीएस है उसको यानी कि लागू किया जाए। कई अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस में वापसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा।